सो हाय गाइस, तो आज के न्यू वीडियो में आप लोग का स्वागत है। तो इस वीडियो में आप लोग को सिखाने वाला हूँ येलो टून अपने फोटो में कैसे ऐड कर सकते हो यार, अपने फोटो में कैसे एचडी फुल एचडी स्मूथ कर सकते हो। तो इस वीडियो को आप लोग को एंड तक देखना है और चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। और इस वीडियो में आप लोग को स्टेप बाय स्टेप बता देंगे कैसे आप लोग को एडिटिंग करना है। तो आप लोग को इस वीडियो को थोड़ा भी स्किप नहीं करना और इस वीडियो को एंड तक देखना है। आप फुल वॉच करिएगा तभी आप लोग को इस तरह की एडिटिंग समझ में आ जाएगी फ्रेंड। तो फुल ट्यूटोरियल दे दिए, तो चलते हैं यहाँ से मोबाइल के स्क्रीन पे। गैलरी को ओपन करना है और जिस फोटो को आप लोग को एडिटिंग करना है उस वाले फ़ोटो को यहाँ से जाके आप लोग को सेलेक्ट कर लेना है। तो इस वाले फ़ोटो को आप लोग को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना और इस फ़ोटो को शेयर कर देना आप लोग को लाइट रूम एप्लीकेशन में। शेयर कर देना आप लोग को यहाँ से, और शेयर करने के बाद आप लोग को चले जाना आप लोग को मोबाइल के स्क्रीन पे और यहाँ से आप लोग को लाइट रूम एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। तो यहाँ से आप लोग को लाइट रूम एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। तो लाइट रूम एप्लीकेशन ओपन हो चुका है फ्रेंड्स। ऑल फ़ोटो पे आप लोग को क्लिक करना है और उसके बाद इस फ़ोटो पे क्लिक करके आप लोग को फ़ोटो को ओपन कर लेना है। और यहाँ से इस फ़ोटो को आप लोग को दिखाएँगे कि एडिट करके। तो यहाँ से आप लोग को लाइट वाले ऑप्शन पर चले जाना है, एक्सपोजर को हल्का इंक्रीज कर लेना है और कंट्रास्ट को प्लस में 27 रख लेना है, हाईलाइट को माइनस में 100 रख लेना है और सैचुरेशन को प्लस में 75 रख लेना है और वाइट को प्लस में 58 रख लेना है, ब्लैक को माइनस में 32 रख लेना है। तो यहाँ से आप लोग को सारा सेटिंग बता दिए। तो यहाँ से आप लोग को समझ में नहीं आया तो स्क्रीन शॉट मार के रख लेना है और कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से मिक्स टूल पे आप लोग को क्लिक कर देना है। यहाँ से आप लोग को बहुत सारा कलर मिलेगा लेकिन आप लोग को येलो टूल पे क्लिक करना है, सैचुरेशन को 100 प्लस कर देना है, ग्रीन वाले टूल पे क्लिक करना है, ह्यू को माइनस में 100 कर देना है और सैचुरेशन को प्लस में 100। उसको बगल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, इसका भी ह्यू को माइनस में 100 और प्लस में सैचुरेशन। ब्लू वाले के टून पे भी क्लिक करना है, इसका भी ह्यू को माइनस में 100 और प्लस में सैचुरेशन को। इस वाले भी ऑप्शन पे चले जाना, इसका भी ह्यू को माइनस में 100 और प्लस में सैचुरेशन और इसका 100 प्लस कर देना है। और यहाँ से आप लोग को ऑरेंज वाले टूल पे क्लिक करना है और यहाँ से अपने फेस पे लाइट देंगे। देखिए यहाँ से आप लोग को अपने हिसाब से रख लेना है लाइट कितना आप लोग को कम बेस देना होता है, तो यहाँ से दे सकते हैं। और रेड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसका प्लस में 49 बढ़ा देना है, इसको भी प्लस में 56 रख लेना है और इसको माइनस में 41 रख लेना है। और यहाँ से आप लोग को इस वाले ऑप्शन पे चले जाना कलर के बगल वाले और टेक्सचर को हल्का बढ़ा लेना है 35 और क्लैरिटी को आप लोग को बढ़ा लेना है 48 प्लस में और इसको हल्का इंक्रीज कर देना है और इसको भी हल्का बढ़ा लेना है 42 आप लोग को प्लस में रख लेना है और इसके बगल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और इसको आप लोग को रख लेना है और इसको भी हल्का बढ़ा लेना है 37 रख लेना है और इसको 30 रख लेना है प्लस में और इसको प्लस में 29 रख लेना है। और यहाँ से आप लोग को होट पे अपने यहाँ से जाके होट पे अगर कलर देना चाहते हैं आप लोग तो यहाँ से आप लोग होट पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है, यहाँ से फ़ोटो को जूम कर लेना है और इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और यहाँ एक दफ़ा क्लिक करके आप लोग को इसको एडजस्ट कर लेना है अपने होट के इतना अपने इसमें होट के पार्ट में आप लोग को इसको एडजस्ट कर देना है, यानी कि सेट कर देना है यहाँ से छोटा बड़ा करके अपने हिसाब से। आप लोग को देखिए यहाँ से आप लोग को करके दिखा रहे हैं कैसे आप लोग को एडजस्ट किया जाता है। और ये वाला लाइट रूम हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, तो यहाँ से आप लोग को इरेज कर लेना अगर अपने पार्ट से फालतू हुआ हो तो आप लोग यहाँ से इरेज कर लेते हैं। और कलर यहाँ से आप लोग को मिला लेना है अपने होट का कौन कलर रखना चाहते हैं, पिंक कलर या रेड कलर, तो यहाँ से आप लोग आके कलर को भी मिक्स करके मिला सकते हैं। देखिए कितना ख़तरनाक है आप लोग का होट पर लग चुका है पिंक कलर, आप लोग जो कलर लगाना चाहते हैं यहाँ से आप लोग कलर लगा सकते हैं। और देखिए कितना ख़तरनाक हो चुका है बिफोर एंड आफ्टर, देखिए कितना अंतर आ चुका है आप लोगों को बिफोर
बिफोर एंड आफ्टर, देखिए कितना झक्कास हो चुका है फ्रेंड्स। तो यहाँ से फोटो एडिटिंग कितना खतरनाक हो चुका है।